नमस्कार। आज हम बात करेंगे ना 19 पार्टियों ने कांग्रेस के लीडरशिप में जो हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने वाला है 28 मई को, उसको बायकॉट कर दिया है। हम ना इसमें से फैक्ट खोजने की कोशिश करेंगे और जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ना हम थोड़ा सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ना आपका, वो 13,450 करोड़ का टोटल आउटले किया गया है। पीडब्ल्यूडी जैसे आपका स्टेट में होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वैसे ही आपका सेंटर में होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के देखरेख में ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम बन रहा है। और सेंट्रल विस्टा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका टारगेट रखा गया है 2026 तक बनाया जाएगा। सेंट्रल विस्टा में बनने क्या वाला है, तो उसमें से दो चीज़ें बन गई हैं और अलग अलग जो प्रोजेक्ट है ना, वो अलग अलग कंपनी को दी गई है। तो इसका आर्किटेक्ट जो था, ये पटेल आर्किटेक्ट आपकी गुजरात बेस्ड कंपनी ने किया है और टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसको कंप्लीट किया है। ओके, तो पहला प्रोजेक्ट ये है आपका। दूसरा प्रोजेक्ट जो तीन किलोमीटर का आपका राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक जो पहले राजपथ हुआ करता था, आज वो हो गया है कर्तव्य पथ, वो कंप्लीट हो चुका है। वो 26 जनवरी तक ही कंप्लीट हो गया था क्योंकि परेड ही पॉसिबल नहीं हो पाता, उसको फास्ट ट्रैक तरीके से किया गया। तो ये प्रोजेक्ट, ये आपका 862 करोड़ में आपका नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है और ये आपका 477 करोड़ में आपका कर्तव्य पथ बना था। अब इशू ये हो गया है कि 28 मई को इसमें क्या करना है, मतलब अभी क्या आ रहा है, अभी आपका मानसून सत्र आ रहा है। तो मानसून सत्र जो है वो कोशिश किया जा रहा है कि 28 तारीख को नेशन को इसको हैंड ओवर करके मानसून सत्र इसी में चले, सारा चीज़ कंप्लीट है तो क्या दिक्कत है। बट यहाँ पे 19 पार्टियों ने इसके इनोग्रेशन को बाइकआउट कर दिया है। खैर, टोटल सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम ही आपका ये आपका जब से शुरू हुआ है इसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आते रही है, पता नहीं मतलब क्यों, जबकि 2012 में ही ये तय कर लिया गया था और प्रस्ताव इसी पार्लियामेंट से, पुरानके वाले पार्लियामेंट से ये पास हो गया था कि जो है हमको एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग चाहिए, नया संसद चाहिए। क्यों? क्योंकि 2026 तक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक मतलब पॉपुलेशन हमारा उस तरह का हो गया है कि नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी पड़ेगी और हमारा स्ट्रेंथ भी बढ़ने वाला है सांसदों का। अभी हमारा स्ट्रेंथ है 550 आपका लोकसभा में और 250 आपका राज्यसभा में, इसको बढ़ा करके मतलब 800 के आसपास आपके लोकसभा में और 384 के लमसम में आपका राज्यसभा में ये करने का है 2026 तक। नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी तो नए सांसद आएंगे। बट इसको शुरुआत में ये कहा गया कि फिजूल खर्ची, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, उससे हमको मतलब नहीं है। अभी बाइकॉट करने का बेसिस क्या है कि इसका इनोग्रेशन प्रेसिडेंट करें। हम कहीं नहीं, मतलब कुछ इधर उधर की बात नहीं, हमको राजनीति से क्या मतलब है, हम यहाँ पर थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक आदमी जो है ना, आपको नाम बहुत अजीब लगेगा, असदुद्दीन अवैसी जी ने ये बात बोली है कि देखिए, ना प्रेसिडेंट करें ना पीएम करें, इसका इनोग्रेशन आपको ओम बिरला स्पीकर ऑफ लोकसभा को करना चाहिए। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली है। अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका इनोग्रेशन की करना चाहिए आपके स्पीकर को, क्योंकि पूरे पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो कस्टोडियन होता है और जो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, एक तरह से कहिए कि इसका CEO जो होता है ना, वो स्पीकर होता है। पीएम क्या है? पीएम कुछ नहीं, एक सांसद ही तो हैं। वो अपनी सांसद हैं, बहुत सारे सांसदों के वो कैप्टन हैं जो लीड करते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट क्या है? तो वो पार्लियामेंट का एक इंटेग्रल पार्ट है, लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये पार्लियामेंट के हिस्सा है। ये आपका क्या है? तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। लोकसभा इन्हीं पे डिपेंड करती है। लेकिन इस बिल्डिंग का रक्षक कौन है, मालिक कौन है कॉन्स्टिट्यूशनली? तो स्पीकर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पीकर ओम बिरला ने ही बोला कि पीएम जी आप इसको इनोग्रेट कीजिए, तो बात ही खत्म हो गई ना। मालिक ही बोल रहा है। जैसे आपने कोई घर बनवाया, आपको मन है कि आप शाहरुख खान से इनोग्रेशन करवाइएगा, अगर शाहरुख खान मान जाते हैं तो आप अपना इनोग्रेशन करवाइए, बात खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा कि पीएम इनोग्रेट करेंगे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, पीएम ने मान लिया। तो यहां पर झगड़ा किस बात का है? यहां पर एक और बात है, यह है संगोल। इसकी भी कहानी अद्भुत है। संगोल के बारे में मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा था, जो सही बात है। ये अभी दो दिन से ये हाईलाइट में है संगोल, इसके बारे में मैंने पढ़ा और मैंने जाना कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी हिस्ट्री में, जस्ट लाइक कोहिनूर का हीरा।
कोहिनूर बहुत चर्चा में रहता है। कोहिनूर का अपना एक पैरेलल इतिहास है, भारत भारतीय इतिहास के साथ साथ कोहिनूर का एक अपना पैरेलल इतिहास है। लेकिन इस सेंगोल के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना था, ईमानदारी से बता रहा हूँ। जैसा कि अमित शाह जी ने जैसा बोला कि लोगों को ये बताया ही नहीं गया था। आपको पता है जब पावर ट्रांसफ़र हो रहा था ब्रिटिश राज से इंडियंस को, मतलब हमको मिल रहा था, हम स्वतंत्र हो गए थे, तो माउंटबेटन जो हम उस समय के वाइस रॉय थे, माउंटबेटन ने नेहरू जी से पूछा है कि अरे मतलब क्या एक पेपर साइन करके डॉक्यूमेंट करके दे दूँ, अरे इतना बड़ा काम हो रहा है, कुछ सिम्बॉलिक चीज़ होना चाहिए, कुछ फंक्शन होना चाहिए, ऐसा कुछ कीजिए आप कि यादगार रहे। इतना बड़ा काम हो रहा है मतलब इतना फाइट करके, इतना मार करके, पिटाई करके, भूख हड़ताल करके सत्ता स्थानांतरित हो रही है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है, हम स्वतंत्र हो रहे हैं, और मैं एक साइन करके हाथ मिला के गले मिल के कि हाँ आज से आप लोग संभालिए, टाटा बाय बाय, ऐसे में कुछ कमी लग रही है। नेहरू जी ने सी राजा गोपालाचारी से पूछा, यार देखिए ना माउंटबेटन तो ऐसे कह रहे हैं कि कुछ तो होना चाहिए, मतलब कुछ कमी हो रही है, कुछ फंक्शन होना चाहिए इस टाइप का। सी राजा गोपालाचारी साउथ से आते थे, उन्होंने कहा कि चोल राजाओं में एक परंपरा होती थी, चोल वंश के बारे में आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा होगा, बट इस राजदंड का कहीं पे कुछ एक लेटर भी मैंने आज तक नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि एक परंपरा होती थी कि जब कोई नया राजा बनता था तो पुराना वाला राजा कहीं कहीं मुकुट दिया जाता है, किसी किसी राजवंश में कटार दे दिया जाता है, कोई पारिवारिक तलवार रहती है उसको थमा दिया जाता है कि आप अब राजा हैं। राजदंड देने का प्रथा आपके चोल साम्राज्य में थी। तो चोल साम्राज्य में जो पुराना राजा था वो अपनी पावर और डिग्निटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर इसके थ्रू करता था, इस राजदंड के। और ये सिवाइट्स अधिनम ग्रुप वहाँ के सिवाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसके हेड पे ना नंदी बैल, जो शंकर जी के सवारी माने जाते हैं माइथोलॉजिकली, तो शंकर जी के सवारी को इसके राजदंड के टॉप पे बैठाया गया है। ये इसका सिंबल है, ये एक्चुअली सिल्वर का बना हुआ है और गोल्ड प्लेटेड है, इस पे कुछ तमिल लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। और इसके अगर और इतिहास में जाइएगा तो जो आपके संगम एज के लिटरेचर है, पुराण नूरू, करुण थोगई, काली थोगई, करुणा थोगई और काली थोगई में इसकी चर्चा मिलती है। ऐसा लिखा गया है कि मीनाक्षी देवी, जो वहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल है, मीनाक्षी देवी ये पहली बार राजाओं को दी थी और वहाँ से ये परंपरा शुरू हो गई कि चोल साम्राज्य में एक राजा जो रिटायर होते थे, मतलब वो थक गए, रिटायरमेंट का मतलब क्या, वो उनका जो सक्सेसर आता था उसको वो हैंड ओवर करते थे, सारा दस्तावेज वगैरह समझाने के बाद ये हैंड ओवर कर दिया जाता था, एक सिम्बॉलिक ट्रांसफ़र था कि यस ये आपने पकड़ लिया राजदंड को, तो आपको अब आप राजा हैं, सारी प्रजा आपकी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये आपका धर्म, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपको याद दिलाते रहेगा, ये आपको हाथ में पकड़ के ही राज्य करना है, जब भी आप अपने आसन पर विराजमान होंगे इसको पकड़ के बैठना है। तो ये था राजदंड। वहाँ से इतिहास में ये गायब हो जाता है, चोल साम्राज्य के बाद ये गायब हो जाता है। पता चला कि ये इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा हुआ था। जब इसकी बात निकली तो ढूंढवा करके, सारा चीज़ रिसर्च करके ये सारी बातें सामने आई। तो अब क्या है प्रथा के अनुसार कि हमारे राजतंत्र, मतलब राजतंत्र नहीं बोलेंगे, हमारी जो पार्लियामेंट है वहाँ से ही आपके डिसीजन मेकिंग होते हैं, जिसको हमको मानना होता है लेजिस्लेचर, द प्राइम, मतलब पार्लियामेंट ही सबसे बड़ा कानून बनाने वाली चीज़ है और वो हमारे सुवर्जिनिटी को दर्शाती है, सुवर्जिनिटी को दर्शाती है। और ये वहाँ पे स्पीकर के बगल में चेयर के सामने ये वहाँ पे स्थापित किया जाएगा, और स्थापित भी उन्हीं के 96 वर्ष के आपके वो गुरु आएंगे, उन्हीं के द्वारा 200 अधिनम कम्युनिटी, 20 अधिनम अलग अलग मठ हैं जो सारे सिवाइट्स हैं, वो 200 को इनवाइट किया गया है। और जिन्होंने इसका आर्किटेक्ट बनाया था वो एक ज्वेलरी कंस्ट्रक्टर थे, चेटी, बंगारू चेटी। तो बंगारू चेटी जी भी 96 वर्ष के हैं, वो भी पधार रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास जो है, कहा जाता है कि हर 100 साल में इतिहास अपने आप को दर्शाता है, तो ये दर्शा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, इसका वेलकम करना चाहिए सारी पार्टियों को। और सबसे बड़ी बात आप समझते हैं, मतलब पार्लियामेंट किसी एक का थोड़ी है जी, 550 आदमी उसमें बैठते हैं अलग अलग पार्टी से, आप भी जीत करके आप भी बैठोगे, आपको थोड़ी कहेगा कि नहीं बैठने देंगे। तो पहली बात ये तो किसी पार्टी का नहीं है, और सारी पार्टियों को ये कहना चाहिए कि आप बुलाएं या ना बुलाएं, हमको आना है, ये नया बना है, हमको भी आना है। और अगर आप बाइकॉट कर रहे हैं तो अच्छी बात तो ये रहेगी कि आप अपने संसदीय पोस्ट से बाइकॉट कर दें, दूसरा को तो जगह मिलेगा जो इसको रिस्पेक्ट कर सके। तो यही है, तो ये है आपका, इसका नाम क्या है, सेंगोली। इस राजदंड को क्या बोलते हैं, सेंगोली। तो इसको सेंगोली या संगोला, तो ये एक नया चीज़ मिला हमारे इतिहास में, चोल डायनेस्टी के राजा इसको यूज करते थे। तो अभी तक तो इतना ही है।
फिर इसमें क्या डेवलपमेंट होती है उस पर आगे बात किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।